गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किए रहे अपने प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन होते क्या है, नाउन के बदले प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। कल की क्लास में हमने उनके काइंड्स जो होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनको स्टार्ट किया था कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में क्या होता है, किस किस अर्थ में प्रोनाउन का यूज किया जाता है, हमने कल की क्लास में देखा था। आज हम जो हमने प्रकार पढ़े हैं प्रोनाउन के, तो प्रत्येक प्रकार जो है उसको हम पढ़ेंगे, डिटेल से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स गाइस, जो भी लर्नर्स हैं, वो अच्छे से इसको सीखें, और आपको अगर सीखने में कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो प्रोनाउन पढ़े थे उसमें टोटल जो प्रोनाउन थे उनके जो मैंने नंबरिंग करी थी, उनकी लिस्टेड किया था, उसमें 11 प्रोनाउन थे। कितने थे? 11 प्रोनाउन, जिसमें पहले नंबर पे जो प्रोनाउन था पर्सनल प्रोनाउन, तो उसी को स्टार्ट करते हैं। पहले पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम कहेंगे पुरुष वाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पुरुषवाचक का मतलब है, पुरुषवाचक से यहाँ मेल फीमेल से मतलब नहीं है, यहाँ पुरुषवाचक का मतलब है जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए पर्सनल प्रोनाउन प्रयुक्त किए जाते हैं। देखो, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, वे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन्स, यहाँ पर एक नया शब्द आया है पर्सन, वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन्स के लिए। अब तीनों पर्सन्स कौन हैं? आपने प्रोनाउन पढ़े होंगे, प्रोनाउन की वो एक टेबल आपने देखी होगी, उसमें बताया होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वो तीनों पर्सन वही है। तो देखो, वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन्स के लिए, तीनों पर्सन्स के लिए, तीनों पर्सन्स के साथ अपन कोष्ठक में लिख सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन होते हैं? जो तीन जो पर्सन हैं, मतलब तीनों पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है? पहले फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, सेकंड एंड लास्ट में थर्ड। पहले फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? देखिए, फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन में जो है वो कौन आता है? एक तो आई और वी, कौन आता है? आई और वी। यहाँ फर्स्ट पर्सन का मतलब है स्पीकर। फर्स्ट पर्सन से क्या मतलब है? स्पीकर, वक्ता, मतलब बोलने वाला, जो सेंटेंस या स्टेटमेंट को जो बोल रहा है वो कौन है? वो फर्स्ट पर्सन है। मतलब किसी बात को कह रहा है, कोई सेंटेंस अपने मुंह से निकला है, तो जो बोल रहा है उस चीज़ को बोल रहा है, बोलने वाला क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन कहलाता है, जिसको हम स्पीकर कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट होते हैं, आई और वी। आई जो होता है, अगर कोई व्यक्ति जो स्पीकर है, अगर वो सिंगल है, मतलब सिंगुलर है, यहाँ वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं भाई, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ऐसा नहीं है। अगर वो जो व्यक्ति स्पीकर है, बोलने वाला है, अगर वो सिंगुलर है, अकेला है, तो उसके लिए वो क्या बोलेगा? आई बोलेगा। अगर वो प्लूरल है, क्या है? प्लूरल मतलब बहुवचन में है, तो वो क्या बोलेगा? वी बोलेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ तो हम क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूँगा? मैं। और अगर दो या चार व्यक्ति साथ में, तो हम बोलेंगे हम। तो देखो, फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट है वो आई और वी है। आई क्या है? फर्स्ट सिंगुलर है, और वी क्या है? प्लूरल है। देखो,
ये कह रहा है कि वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, हम बात कर रहे हैं केवल पर्सनल प्रोनाउन की। तो आई और वी ये किसके रूप में आते हैं? आई और वी जो है ये किसके रूप में आते हैं? नॉमिनेटिव के रूप में। किसके रूप में? नॉमिनेटिव। आप कहेंगे ये नॉमिनेटिव शब्द क्या होता है? तो नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता कारक। नॉमिनेटिव मतलब क्या होता है? कर्ता कारक, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता कारक जिसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब आई और वी जो होता है किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, तो वहाँ पर आई और वी शब्द का यूज होता है। नॉमिनेटिव के अलावा सेकंड जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये नॉमिनेटिव केस है मतलब कर्ता कारक, ये ऑब्जेक्टिव केस है मतलब कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव को क्या कहेंगे? कर्म कारक, मतलब कर्म के स्थान पर आने वाला शब्द। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर पे आता है। तो यहाँ जो मैं शब्द लिखने जा रहा हूँ वो कहाँ आएगा? किसी भी सेंटेंस के थर्ड नंबर में। तो आई जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। आई जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। और वी जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। तो ये कौन है? ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आगे चलिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन, किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन में एक शब्द होता है यू। क्या होता है? यू। अगर सब्जेक्ट, ये जो नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट जो है अगर वो सिंगुलर है तो भी यू ही आता है, और प्लूरल है तो भी यू ही आता है। बट सिंगल, अब ये सेकंड जो है सेकंड पर्सन, ये क्या है? ये लिसनर है। क्या है? ऑडियंस, लिसनर। क्या है ये? लिसनर। अब देखो स्पीकर, आप समझ गए, स्पीकर क्या होता है? बोलने वाला होता है। और लिसनर क्या होता है? सुनने वाला होता है। लिसनर कौन होता है? सुनने वाला, जिससे बात कही जा रही है। बोलने वाला जिससे बात कह रहा है। तो ये कौन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो कौन है? लिसनर है, जिसको हम क्या कहते हैं? यू। यू मतलब तुम। अब बात, जो भी बात कहता है वो सामने वाले से कहता है, उसको क्या कहते हैं? यू ही कहते हैं। तुम कह रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस में यू जो सब्जेक्ट होता है, यू शब्द होता है, प्रोनाउन होता है, ये सिंगुलर हो या प्लूरल सब में क्या लिखा जाता है? यू लिखा जाता है। और ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, ये आपको पता है। फिर ऑब्जेक्टिव केस जो होता है इसका, वो भी क्या होता है? यू होता है। ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू होता है। हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन जो कहे जाते हैं उसमें दो तरह के होते हैं, एक तो नॉमिनेटिव, एक ऑब्जेक्टिव। जो नॉमिनेटिव होता है जिसको कर्ता कारक कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको कर्म कारक कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट होते हैं आई और वी, और आई जो नॉमिनेटिव केस है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। वी जो है जिसका नॉमिनेटिव केस वी होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। हम हिंदी में बात करें तो आई का मतलब होता है मैं, और मी का मतलब होता है मुझे। वी जो है वी का मतलब होता है हम, और अस का मतलब होता है हमें। यू जो होता है यू का मतलब होता है तुम, और यू का मतलब, ये जो यू होता है ऑब्जेक्टिव केस का, इसका मतलब होता है तुम्हें। अब और भी, जैसे तुम्हें को हम तुम्हारे को भी कह सकते हैं, आपको भी कह सकते हैं। फिर जो थर्ड पर्सन होता है ये क्या होता है? थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होता है जिसके बारे में स्पीकर जो बोल रहा है और लिसनर जो सुन रहा है, और बात जिसके बारे में की जा रही है, वो कौन होता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। मतलब स्पीकर और लिसनर जो आपस में बात कर रहे हैं, या तो वो दोनों आपस में खुद की बात कर रहे हैं, और खुद की नहीं कर रहे हैं तो किसी थर्ड की कर रहे हैं। तो जो थर्ड व्यक्ति जो है, जो थर्ड व्यक्ति है वही क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जिसको हम कहेंगे अदर, मतलब अन्य। अब इसमें देखो क्या है, इसमें होता है एक तो ही, एक होता है सी, एक होता है दे, और एक होता है इट। क्या होता है? ही सी दे इट, ही सी इट दे भी बोल सकते हैं। ही जो होता है वो मेल के लिए होता है, मतलब पुरुष के लिए, और जो सी होता है वो किसके लिए? वो फीमेल के लिए होता है। सी किसके लिए होता है? फीमेल के लिए, मतलब मेल के लिए, मेल सिंगुलर के लिए तो ही, और फीमेल सिंगुलर के लिए सी। अब मेल हो या फीमेल हो, बाकी थर्ड पर्सन प्लूरल है तो वो उसमें क्या आता है? दे आता है। क्या आता है? दे आता है। और ये जो इट है ये किसी नॉन ह्यूमन बीइंग या किसी बर्ड या किसी एनिमल के लिए सिंगुलर के अर्थ में आता है इट। देखो अब ये जो ही है इसको हम क्या कहेंगे? वह पुरुष।
ये जो सी है उसको हम कहेंगे वह स्त्री, दे जो है इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वे, क्या कहेंगे वे। दे जो शब्द है वो मेल फीमेल दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है प्लूरल के अर्थ में। इट जो है इसका मतलब होता है यह या वह, ये मैंने बताया नॉन ह्यूमन बीइंग मतलब निर्जीव के लिए, या बर्ड एनिमल इन चीज़ों के लिए किसी भी थिंग के लिए आता है। फिर आगे देखो ये जो ही होता है ये नॉमिनेटिव केस में होता है मतलब कर्ता कारक के रूप में होता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम। सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। दे, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। इट, इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। हिम जो है इसको हम कहेंगे उसे, और हर को भी क्या कहेंगे उसे, और देम को क्या कहेंगे उन्हें, और ये जो इट है इट का मतलब होगा उसे या इसे। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो देखो हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं, पर्सनल प्रोनाउन को क्या कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, और वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें पर्सनल प्रोनाउन में दो आते हैं नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इसका इसके अलावा और भी होते हैं वो इसमें नहीं आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी आते हैं। वो कहाँ आते हैं वो जो अगला इसके आगे हम जो टाइप्स पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि वो कौन से कहलाते हैं। जैसे अगर आप जानते हैं ये टेबल तो आई मी माई माइन ऐसे होता है। अब आप कहेंगे इसमें माई भी नहीं आया माइन भी नहीं आया, तो ये केवल दो जो है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तीनों पर्सन्स में इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मैंने फॉर आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन। अब जो सेकंड होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन, क्या देख रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन सेकंड नंबर पे है पजेसिव प्रोनाउन। देखो पजेसिव प्रोनाउन जिसको हम कहेंगे अधिकार वाचक या सूचक, अधिकार वाचक सर्वनाम, क्या कहेंगे अधिकार वाचक सर्वनाम। अधिकार वाचक का मतलब है किसी चीज़ पे अपना अधिकार होता है, मतलब अधिकार वाचक मतलब ऐसे शब्द जिनको बोलने से ऐसा लगता है कि इस चीज़ पर हमारा अधिकार है, मतलब हमारा स्वामित्व है, हम वो चीज़ हम हमारे से रिलेटेड है। अधिकार वाचक सर्वनाम, देखो अभी हमने पर्सनल जो प्रोनाउन देखे, पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में ये जो शब्द होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और ये काम में लिए जाते हैं। अब हम पजेसिव प्रोनाउन जो देख रहे हैं उसको समझेंगे कि ये क्या होते हैं। वे प्रोनाउन जो ये भी तीनों पर्सन्स में प्रयुक्त किए जाते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वे प्रोनाउन जो इसको प्रोनाउन या शब्द कहेंगे हम, क्या कहेंगे वे शब्द जो स्पीकर या लिसनर, स्पीकर या लिसनर जो बोलने वाला है या जो सुनने वाला है या इसके अलावा जो अदर है, वे शब्द जो स्पीकर लिसनर अदर जो वे प्रोनाउन जो स्पीकर लिसनर अदर का अधिकार, अधिकार मतलब स्वामित्व बताते हैं वो क्या कहलाते हैं पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो वो जो सब्जेक्ट जो स्पीकर है या जो लिसनर है या जो अदर पर्सन है जो बोल रहा है कह रहा है या जिसके बारे में कही जा रही है उसका क्या बताता है, उस चीज़ पर अधिकार बताता है। यहाँ पर हम एक डिफरेंस देखेंगे पजेसिव प्रोनाउन क्या है। देखो अभी हमने देखा कि आई और वी ये दोनों क्या है फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस है, मतलब फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट है आई और वी। अब इसको यहाँ देखेंगे
एक तो मैं यहाँ लिखता हूँ पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव। समझना, आप समझने का प्रयास करना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पर समझना पड़ेगा। एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव, क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव। एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन। देखो आई जो होता है, इस आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है माई, क्या होता है माई। अब आपको पता है माई कभी भी किसी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आता है, इसीलिए इसको एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद में क्या होता है, कोई ना कोई नाउन होता है। वैसे ही वी के साथ है, वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है अवर। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है संबंध बताने वाला विशेषण। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है, संबंध बताने वाला विशेषण। देखो अवर जो है ये कभी अकेला नहीं आता है, अवर के जस्ट बाद में कोई ना कोई नाउन होता है। अब ये पजेसिव प्रोनाउन क्या है, इसमें क्या है, एक केवल एक शब्द होता है, इसके अलावा उसके साथ नाउन नहीं होता है। पजेसिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में भी यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज होता है। आई जो है इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। आई जो सब्जेक्ट है, आई जो फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, उसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। अब अवर जो है, ये वी है, वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है अवर्स, क्या कहेंगे इसको अवर्स। मैंने बताया इसके तुरंत बाद कोई भी नाउन नहीं होता है, इसके बाद भी कोई नाउन नहीं होता है। इसको ऐसे समझे, मतलब इसके बाद कोई नाउन नहीं होता है और इसके बाद भी कोई नाउन नहीं होता है। अगर है तो वो सेंटेंस में क्या है, एरर है। क्या है, एरर है। अब इसका मतलब ये होता है, जैसे माय मतलब मेरा, और ये जो इसका मीनिंग, इसके बाद जो नाउन आया है, जैसे माय कार मतलब मेरी कार, आवर पेन हमारा पेन। अब यहाँ जो है इसका मीनिंग क्या निकलेगा, वो मीनिंग तो यही निकलेगा पर इसके बाद नाउन नहीं होगा। जैसे माइन, किसी सेंटेंस में माइन आ रहा है तो माइन में आगे जो भी नाउन है उसका कनेक्शन इससे होगा। इसके बाद सेंटेंस में जो भी शब्द आ रहा है आगे, उसका कनेक्शन किससे होगा, इससे। ऐसे अवर्स है, अवर्स में अगर कोई वर्ड, कोई नाउन बाद में आ रहा है तो उसका संबंध किससे होगा, इससे, मतलब उसको इससे कनेक्ट करके बोलेंगे तब इसका अर्थ पूरा होगा। अभी समझते हैं। तो आई ये जो फर्स्ट पर्सन के दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस हैं, तो इनका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन और अवर्स। ऐसे आप देखो नेक्स्ट, यू जो सेकंड पर्सन है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, यूअर, क्या होता है यूअर। अब यूअर के बाद तो क्या आता है, कोई भी कोई नाउन आता है तब ये क्या कहलाता है, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। और अगर पजेसिव प्रोनाउन है तो यहाँ आएगा यूअर्स, क्या आएगा यूअर्स, और यूअर्स के बाद में कोई भी नाउन नहीं आएगा, यूअर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। ऐसे ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ही, सी, दे और इट। ही जो है इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, क्या होता है हिज, और इसके बाद आता है नाउन, मतलब हिज प्लस नाउन आना जरूरी है पजेसिव एडजेक्टिव में। सी होता है इसका होता है, सी जो नॉमिनेटिव केस है इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर प्लस नाउन। दे जो है, दे का क्या होता है, डियर प्लस नाउन। आप समझिए ये जो आगे वाले शब्द हैं ये कभी भी पजेसिव केस में आगे जब आएंगे तो ये कभी भी अकेले नहीं आए, इनके साथ नाउन जरूर आएगा, और ये जो है ये नाउन के साथ ही आएंगे। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ही जो होता है इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है हिज, क्या होता है हिज, और वही बात है इसके जस्ट आगे कोई भी नाउन नहीं आएगा। फिर जो सी है इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर, और इसके साथ लगा होता है यस, हर्स, क्या बोलेंगे हर्स, और इसके साथ कोई भी नाउन नहीं आएगा। दे जो है, दे का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, दियर्स, क्या होगा दियर्स, और इसके साथ भी कोई भी पजेसिव कोई भी नाउन नहीं आएगा। इट जो है, इस इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, या जो इट है इस इट का, इट का क्या होगा पजेसिव एडजेक्टिव तो होगा, इट्स प्लस नाउन, क्या आएगा इट्स प्लस नाउन, बट इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, मतलब इट को पजेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त नहीं करते हैं। तो देखो पजेसिव प्रोनाउन जो हमने पढ़े हैं, अधिकार वाचक सर्वनाम, वे इस प्रोनाउन जो स्पीकर लिसनर अदर का अधिकार स्वामित्व बताते हैं,
तो ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। आई का होता है माइन, वी का होता है अवर्स, यू का होता है यूअर्स, ही का होता है हिज, सी का होता है अर्स, दे का होता है दियर्स, और इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।